मॉर्निंग बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स को किन किन मीडियम से इन्फेक्ट करते हैं और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने प्रोटोजा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था तो उसने ये देखा था कि उससे हमें कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। मलेरिया हो गया, एमेबिक डिसेंट्री हो गई, इसके बाद में ब्लैक फीवर हो गया, और बैक्टीरिया जैसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें टाइफाइड, कलेरा, टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी बीमारी होती हैं। फिर इसके अंदर हमने फंगी से रिलेटेड भी पढ़ा था, तो फंगी में हमने रिंगवर्म, जो दराद होती हैं, जो बाहरी बॉडीज में रैशेस टाइप हो जाता है, उसे हम रिंगवर्म कहते हैं। एंड लास्टली हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा था। करंटली वी आर, हम लोग इस सिचुएशन को फेस भी कर रहे हैं विद द नोवल कोरोना वायरस, जो कि एक फॉर्म ऑफ कोरोना, जो कि एक फॉर्म ऑफ वायरस ही है, जिससे कि काफ़ी ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट पड़ा है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट कि एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिजीज कॉज करवा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज एंड पोल्ट्री। ओके, ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमन बींग्स इफेक्टेड होते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। देर आर सम ह्यूमन बींग ऑल्सो दोज हू गेट इन्फेक्टेड विद दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनमें काव हो गए, बफेलो हो गए, पोल्ट्री हो गए। पोल्ट्री जो है एग्जाम्पल हो गया आपको, जहाँ पे हैन जो है उनका पालन किया जाता है। ओके, दिस डिजीज रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन। अब इन जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स पर अटैक करते हैं या उनका इन्फेक्ट करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि इनका मिल्क प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जो हैन होती है वो एक जो इस तरीके से प्रोड्यूस कर रही होती है उसमें कमी आ जाती है। ओके, एंड इनफैक्ट कुछ केसेस में तो बर्ड्स की डेथ तक हो जाती है। आपने रिसेंट में बर्ड फ्लू सुना होगा, जो कि बर्ड्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। बहुत सारी बर्ड्स उस दौरान मारी भी गई थी। अब आपके बुक में टेबल है जिसमें कि ये गिवन है कि कौन से डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंड कौन एनिमल्स कौन से इन्फेक्ट होते हैं, उनमें कौन सी बीमारियाँ होती हैं। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। बैक्टीरियाज में इन्फेक्टेड जो एनिमल होते हैं वो होते हैं एक तो कैटल और एक पोल्ट्री। पोल्ट्री जो से हैन हो गया, ओके, बत्तख हो गया, बहुत सी जगह बत्तख को पाला जाता है, बहुत सी जगह हैंस को पाला जाता है। कैटल या जो है अपने काउ, बफेलोस, वो एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी जो कि ह्यूमंस को भी होती है, जिसमें यू नो कई बार जो सिम्टम्स इसके ये हैं कि कई बार जो है अगर इन्फेक्ट हो जाता है कोई पर्सन, तो उसकी बॉडी में ना छाले होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके साथ साथ उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके, एनिमल्स में भी सेम है। फिर उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस, जो इसको कि टीबी कहा जाता है। ओके, पोल्ट्री में भी ट्यूबरक्लोसिस होता है, फ्लो कॉलेरा हो जाता है, डायरिया हो गया, ये सारे कुछ बीमारियाँ एनिमल्स को हो जाती हैं। नाउ द सेकंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस, जो कि कैटल और पोल्ट्री दोनों को ही इफेक्ट करता है। ओके, अब इसमें जो है मोस्ट ऑफ द टाइम फूथ एंड माउथ डिजीज होती है। ओके, जिसमें नो एनिमल्स के मुंह से बहुत ज़्यादा राल निकलना स्टार्ट हो जाती है। फिर रिंडरपेस्ट ही एक टाइप का कैटल प्लाग बीमारी है। ओके, और फिर काउपॉक्स हो जाते हैं। पोल्ट्री में फाउल पॉक्स, रैनिकैट, बर्ड फ्लू, ये कुछ कॉमन बीमारी है जो कि बर्ड्स अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इनको इन्फेक्ट कर देता है तो वो बीमार पड़ जाती हैं, जिससे कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। अब आपकी बुक में एक फैक्ट है दैट डू यू नो से दैट रॉबर्ट कोच 1876 में उन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया बेलिकिस एंथ्राइसिस, जो कि एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करने के लिए रोल प्ले करता है। तो ही वॉज द वन जिन्होंने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ओके, अगला जो टॉपिक है वो हमारा वो है कि प्लांट्स में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं और उनको क्या हो सकता है, उससे उनके क्या इफेक्ट पड़ता है। इन प्लांट्स सेवरल ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटेटो, शुगर कैन, एप्पल, ऑरेंजेस, कॉटन एंड जूट। प्लांट्स में से सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट प्लांट्स पर अटैक मतलब इन्फेक्ट करते हैं, जिससे कि उन प्लांट्स में भी डिजीज लग सकती है। इनमें से वीट, गेहूं, राइस, पोटैटो, शुगर केन यानी गन्ने की खेती, एप्पल्स, ऑरेंजेस,
कॉटन कपास की खेती, ओके, इन सारी प्लेसेस में, इन सारी क्रॉप्स में ये इफेक्ट करते हैं। दिस डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप। अगर ये बाय चांस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनको डिजीज लगती है, तो उनकी यील्डिंग पॉसिबल नहीं है। कई बार होता है कि प्लांट्स धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देते हैं या सूख जाते हैं, ओके। सो दिस प्लांट डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू डिजीज थ्रू सीड। अब इन प्लांट्स से डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है, तो उसमें मीडियम कौन सा है? एक तरीका है सीड, यानी कि उसके बीच में ही कुछ इन्फेक्शन हो, ओके। फिर होती एयर एंड देन सॉइल, ओके। इन तीन तरीकों से कोई प्लांट में डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। कुछ कॉमन डिजीज जो कि प्लांट में इफेक्ट करती, जो कि कॉमन जो पाई जाती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जिससे प्लांट यू नो इन्फेक्ट हो जाते हैं, ख़राब होना स्टार्ट होते हैं, उसमें सबसे पहले ब्लिथ नाम की बीमारी होती है, जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है, और ये राइस में पाई जाती है। देन सिट्रस कैंकर, जो भी एक टाइप का बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही ये बीमारी होती है प्लांट्स में, जो कि सिट्रस नाम का एक फ्रूट होता है उसमें होती है। फिर फंगी की वजह से रस्ट होती है, जो कि बेसिकली वीट और मस्टर्ड में होती है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर गेहूँ अगर आपका ख़राब हो जाता है तो उसमें से कुछ पाउडरिश फॉर्म निकलता रहता है, जिसको कि इंग्लिश में रस्ट कहा जाता है। देन स्मट, जो कि अगेन फंगी की वजह से कॉज होती है। वीट, अगर ये आपने देखा होगा गेहूँ में फफूंदन पड़ जाती हैं कई बार, है ना। इसके बाद में वायरस से टबैको मोज़ेक, जो कि तंबाकू खेती में होती है, तो उसमें ये बीमारी होती है। फिर येलो वेन मोज़ेक नाम की बीमारी होती है, जो कि वायरस वजह से होती है, जो कि स्पेशली भिंडी जो प्लांट है उस क्रॉप में इन्फेक्ट करती है, ओके। अब इन प्लांट डिजीज को कंट्रोल कैसे किया जाए कि ये जो प्लांट्स हैं ये डैमेज ना हो, तो इसके लिए प्लांट डिजीज को कंट्रोल किया जाता है बाय स्प्रेइंग केमिकल विच किल द माइक्रोब्स और ऑन इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इसमें क्या करते हैं फार्मर्स, जो स्प्रे लाते हैं, जो कि बेसिकली इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, यू नो, जो कि इन केमिकल्स को स्प्रे किया जाता है ताकि माइक्रोब जो है इन्फेक्ट ना कर सके इन प्लांट्स को, ओके। और हमने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वाला चैप्टर, तब हमने बताया भी था कि हम जो फंगी से बचने के लिए यू नो किसान क्या करता है कि सीड्स को पहले उस दवाई से ट्रीटमेंट दे देता है, यानी कि उस दवाई उस स्प्रे करता है, जिससे कि उस सीड्स में अगर बाई चांस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लाइक फंगस हो या बैक्टीरिया हो, तो वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए, जिससे कि उनकी यील्डिंग में, यानी कि जब क्रॉप बोएंगे तो उसमें परेशानी नहीं आए। सो बच्चों, अब हमने अभी तक यहाँ पे ये पढ़ा कि कैसे ह्यूमंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करते हैं, क्या उसके बचाव हैं, कैसे एनिमल्स इफेक्ट होते हैं, और कैसे प्लांट्स इन्फेक्ट होते हैं। ह्यूमंस में भी वैक्सीनेशन करवाना पड़ता है जब जाके हमें प्रोटेक्शन मिलती है, एनिमल्स में भी इनका वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाना पड़ता है, तभी इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब कोई अगर बाई चांस इनकी बॉडी में इन्फेक्ट करना भी चाहे तो वो उससे उन वैक्सीनेशन की वजह से वो बच जाते हैं। और प्लांट्स में हमें केमिकल्स स्प्रे करने रहते हैं, जिससे कि हमारे प्लांट्स की यील्डिंग पर कोई फर्क ना पड़े। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारा फूड भी स्पॉइल होता, ओके। अब समटाइम्स फूड गेट स्पॉइल ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजन्स, लाइक नॉट कीपिंग इट कवर्ड, इन प्रॉपर कुकिंग एंड नॉट प्रिजर्विंग द फूड प्रॉपरली, एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटेड फूड ड्यू टू द पावर फ्लक्चुएशन। अब कई बार देखा गया है कि फूड जो हमारा है ख़राब हो जाता है ना, तो वो किस वेरियस रीजन की, या तो सबसे पहला कारण कि हमने जो खाना उसको ढककर नहीं रखा है, या तो हमने उसको प्रॉपरली कुक नहीं करा है, पकाया नहीं है, या तो हमने उसको प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं रखा है, या फिर अगर हमने जो फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कई बार पावर फ्लक्चुएशन की वजह से उसमें टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, जिससे कई बार हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है ना, ख़राब हो जाता है। अब इसमें कारण क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे फूड में तो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। और कई बार तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, एंड इफ़ यू कंज्यूम तो हमारे अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी हेल्थ पे कई बार असर डालता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड में ग्रो होते हैं, स्पेशली जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो हमारे लिए टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पर हार्म हो। अगर हम वो खाना कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हम बीमार पड़ सकते हैं। द टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक द फूड पॉइजनस, कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। और जो टॉक्सिक सब्सटेंस
प्रोड्यूस हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे खाने में, वो फूड को पॉइजनस कर देता है, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इस वजह से कई बार, अगर कई बार आपने न्यूज़ सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग की वजह से किसी की डेथ हो गई, ओके, तो ये इसी कारण की वजह से है कि हो सकता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होना स्टार्ट हो गया और इतना ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट कर दिया हो, जिससे कि जिस भी इंसान ने उस फूड को कंज्यूम करा हो तो उसकी डेथ हो गई हो। अब इन स्पॉइल्ड फूड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है? इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक तो उसमें से स्मेल ख़राब आना स्टार्ट हो जाती है, उसका स्मेल, उसके कलर में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है, ओके, फिर उसके बाद में टेस्ट ख़राब लगने लगता है, ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फूड जो है वो ख़राब हुआ है या नहीं। अब इसके मेजर सिम्टम्स क्या है कि अगर चलिए किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? या तो किसी को वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है, या उसके पेट में एब्डोमिनल, पेट जाने की जो पेट का निचला वाला हिस्सा है, जो हमारी जो नाभि होती है उसके निचला जो हिस्सा होता है उसको हम एब्डोमिनल पोर्शन को बोलते हैं, तो वहाँ पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हेडेक, फीवर, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ऑफ फूड पॉइजनिंग के, ओके। There are some bacteria that got food poisoning are. अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके से फूड पॉइजनिंग होती हैं, उनके नाम हैं सेल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकी एंड क्लोस्ट्रीडियम। फंगस की वजह से ही फूड पॉइजनिंग होती है, जिसमें एस्परगिलस एंड पेंसिलिन दो ऐसे फंगी हैं जो कि फूड पॉइजनिंग में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक ड्यूटी होती है कि हम जब भी हम खाना पकाए तो उसे सावधानी से पकाए, प्रॉपरली कुक करें, और कुक करने का उसे अनकवर ना छोड़े, उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करके रखें ताकि हमारा फूड स्पॉइल ना हो, ओके। सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम खाने को, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ओके। तो आइए पढ़ते हैं अबाउट द फूड प्रिजर्वेशन, ओके। फूड प्रिजर्वेशन क्यों किया जाता है? ताकि फूड हमारा ख़राब ना हो और हम उसे कंज्यूम कर सकें, और हमें जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हैं हम उनसे बच पाएँ। अगर हम फूड को प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में ग्रो होंगे एंड एज अ रिजल्ट वो हमें हार्म पहुँचाएंगे। फूड गेट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई व्हेन कंडीशंस आर ड्राई, टेम्परेचर इज वेरी लो एंड टेम्परेचर इज वेरी हाई। अब फूड हमारा तब स्पॉइल होता है जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूं ही फूड में ग्रो नहीं हो पाते हैं, अल्टीनल अनलेस कंडीशन बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं वहाँ पे ग्रो हो पाएंगे, ना ही वो अपने आप को बढ़ा पाएंगे। टेम्परेचर ये तो बहुत ज़्यादा लो होता है तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में प्रोड्यूस प्रोडक्शन नहीं होता है, एज वेल एज अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने देखा है या तो घरों में जो है अगर सब्जी अगर कहीं बच जाती है तो उसको गर्म किया जाता है, रीज़न यही है ताकि इसमें ख़राब ना हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो, जिससे कि हमारा फूड स्पॉइल ना हो जाए। इसके साथ साथ आजकल रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, फ्रिज आ गया है, तो उसमें हम खाना रख देते हैं जो कि टेम्परेचर को लो रखता है और जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाते, ओके। अब ये जितनी मेथड से जिससे फूड प्रिजर्वेशन हमें इंश्योर करती है कि जिससे कि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ना ही ग्रो कर पाए और ना ही अपने आप की तादाद मल्टीप्लाई कर पाए, ना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रो ना हो पाए, ओके। द प्रोसेस बाई विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड बाई यूजिंग केमिकल और फिजिकल मैथड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। अब ऐसी प्रोसेस जिसमें हम खाने को सड़ने से या ख़राब होने से बचाए, और उसमें हम किन प्रोसेस से, या तो हम केमिकल्स का उपयोग करें या फिर कोई फिजिकल मैथड से, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब इसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वॉट इज केमिकल मैथड, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पढ़नी है केमिकल मैथड। फूड प्रिजर्वेटिव आर केमिकल सब्सटेंस विच कैन चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट केमिकल प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ बाय रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द फूड आइटम्स। अब कुछ आजकल ऐसे मार्केट में फूड प्रिजर्वेटिव केमिकल सब्सटेंस आने लगे हैं जो कि अगर हम उनको ऐड कर देते हैं अपने खाने में तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को वो रोक देता है,
मोस्ट ऑफ द जो केमिकल प्रिजर्वेटिव बने हैं वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं फूड आइटम से, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ही नहीं हो पाए, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीजन. सोडियम बेंजोट, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव. अब इनमें से कुछ जो फूड प्रिजर्वेटिव जो कि यूज़ किया जाता है, इसमें एक सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट ये यूज़ किया जाता है, ताकि यू नो हमारा जो फूड है वो ख़राब या स्पॉइल ना हो पाए. सोडियम बेंजोएट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट जूसेस एंड स्क्वैशेस. ओके, सोडियम बेंजोएट का यूज़ स्पेशली लिक्विड आइटम्स के लिए ज़्यादा किया जाता है. ओके, लाइक फ्रूट जूसेस हो गया, स्क्वैशेस हो गया. ओके, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग कट फ्रूट्स, जैम, जेलीज एक्सेट्रा. अब पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज़ कहाँ किया जाता है, जहाँ पर भी ना ऐसा है फूड आइटम जहाँ पे है ना फ्रूट्स को कटे हुए फ्रूट्स हों, जो जैम या जेली बनाते हैं, तो उसमें ये प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है. सिट्रिक एसिड इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेशन इन कन्फेक्शनरीज. नाउ कम्स द प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. मीट एंड फिश कवर्ड विथ कॉमन सॉल्ट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. अब सॉल्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ स्पेशली जो मीट और फिश जो होता है उनको यू नो बचाने के लिए, वहाँ पे उनमें माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसमें ग्रोथ ना हो सके, इस वजह से सॉल्ट का यूज़ किया जाता है. इसमें क्या होता है कि सॉल्टिंग क्या करता है, जितना भी वाटर या मॉइस्चर फूड आइटम्स में रहता है जिसकी वजह से वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, उसको वो रोक देता है. इसलिए सॉल्टिंग की जाती है, जिससे कि जितना भी मॉइस्चर है, वाटर है, वो सब निकल जाए, और जिससे कि हमारे फूड आइटम्स में माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो सके. इसके साथ साथ हम सॉल्टिंग का यूज़ हमने अपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, घरों में आंवला या फिर रॉ मैंगोज़ या इमली में भी नमक डाल के रखा जाता है, ताकि उसको हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सके और उसको बाद में हम यूज़ कर सके. प्रिजर्वेशन बाय शुगर. जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन दैम. ओके, अब जो जैम्स होती हैं, जेलीज होती हैं, स्क्वैशेस होते हैं, मुरब्बा, ये सब प्रिजर्व किए जाते हैं लंबे समय तक के लिए. ओके, पर लेकिन उसको प्रिजर्व क्यों हो पाते हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ शुगर. ओके, क्योंकि शुगर की प्रेजेंस रहती है उनमें. क्यों? क्योंकि शुगर जो होती है वो इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्योंकि शुगर जो है, जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे फूड को बर्बाद कर सकते हैं या उनको ख़राब कर सकते हैं, तो उनकी ग्रोथ को ये रिड्यूस कर देती है. ओके, बिल्कुल बाय रिडक्शन इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड. शुगर की वजह से जो भी ये फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, और जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है फूड का वो भी रिड्यूस कर देती है, जो खाने में जो भी नमी प्रेजेंट है. ओके, देन कम्स द प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. एक और तरीका है जिससे कि हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, बाय द मीन्स ऑफ ऑयल एंड विनेगर. ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बोथ ऑयल एंड विनेगर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड में ग्रो होने से रोकते हैं. मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर यानी सिरका. ओके, इसको हिंदी में सिरका कहा जाता है विनेगर को, और मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में. और इसका हम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, घरों में अगर हम अचार बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं इन ऑयल्स का, मस्टर्ड ऑयल्स. सिरका जो ये है वो जो खट्टा मीठा अचार होता है उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ओके, अचार बनाने में यूज़ होता है. इसके साथ साथ मीट और फिश भी इसी मेथड से प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं. नेक्स्ट मेथड जो है पेस्टराइजेशन. पेस्टराइजेशन बेटा वो प्रोसेस है जिससे हम मिल्क को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. इसमें क्या होता है कि हमें इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस. इस मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, कम से कम 15 टू 30 सेकेंड्स, ताकि उसके सारे बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो मर जाए. फिर उसके बाद में उसको कूल किया जाता है ना, ठंडा किया जाता है, तो 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि जो भी रिमेनिंग बैक्टीरिया अगर बच भी जाए तो उनकी ग्रोथ रुक जाए. देन दिस मिल्क इज स्टोर्ड इन स्टेरिलाइज्ड बॉटल और पाउचेस इन कोल्ड प्लेसेस. फिर इन दिस मिल्क को स्टेरिलाइज्ड बॉटल या पाउचेस में स्टोर करके रख दिया जाता है, स्पेशली कोल्ड प्लेसेस में,
रख देते हैं रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में। ओके, स्टेरलाइज बॉटल यानी कि जो अनइन्फेक्टेड बॉटल जो कि पूरी तरीके से यू नो फ्रेश हो, जिसमें यू नो स्टेरलाइज हो, जिसमें कि किसी भी टाइप के जर्म्स प्रेजेंट नहीं हो। पेस्टराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। अब पेस्टराइज जो मिल्क होता है उसको हम बिना बॉयल करे भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो सब हम लोग पेस्टराइजेशन प्रोसेस में उनको ऑलरेडी मार देते हैं। इस वजह से फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो दैट वी कैन कंज्यूम इट। इज दिस मेथड वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस पेस्टर इन 1862। और इस मेथड को किसने सबसे पहले बार इन्वेंट किया था? लुइस पेस्टर ने इन द ईयर 1862 बाय कूलिंग और फ्रीजिंग। ओके, एक तरीका ऐसा भी होता है बाई कूलिंग और फ्रीजिंग। मोस्ट ऑफ द जो हमारे हाउस होल्ड्स जो होते हैं वहाँ पर हम यही करते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं। ओके, उनमें हम अपना खाना अगर बच जाता है तो उसमें हम स्टोर करके रखते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, हम उनमें स्टोर करके रखते हैं ताकि हमारा जो फूड है वो स्पॉइल ना हो या सड़े नहीं। ओके, फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड कुक्ड फूड आर केप्ट एट लो टेम्परेचर इन द रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रिजेस टू प्रिवेंट देयर स्पॉयलर्स। ओके, जिसमें मैंने अभी आपको समझाया कि हम घरों में जो डोमेस्टिकली हम यही टेक्निक यूज़ करते हैं। लो टेम्परेचर क्या करता है? प्रिवेंट्स द स्पॉयलेज ऑफ फूड। लो टेम्परेचर जो फूड जो स्पॉयल होता है उसको प्रिवेंट कर देता है और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो होने वाले हैं उनकी ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, वन मोर प्रोसेस इज दैट बाय डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या प्रोसेस होती है? सिंस द मॉइस्चर इज वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। अब जिसमें हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि मॉइस्चर कंटेंट अगर फूड में रहेगा तो क्या होगा कि वहाँ पे माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है। अगर हम उस पानी को ही हम फूड मटेरियल से निकाल दें, अगर हम उस पानी को ही फूड मटेरियल से अगर हम निकाल देते हैं तो एक तरीका का एक एफिशिएंट मेथड मानी जाती है फॉर फूड प्रिजर्वेशन। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हम वाटर का रिमूव कर दें, वाटर को रिमूव कर दें किसी भी सब्सटेंस से, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और इसके लिए हम सन ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड है फूड को प्रिजर्व करने के लिए धूप में सुखाने की। ओके, और इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों पे हम अप्लाई कर सकते हैं? वीट, गेहूं, राइस, चावल, पल्सेस, दाल वगैरह, और उनको पहले साफ़ किया जाता है फिर उनको धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है कि बाय चांस अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट अगर इन फूड आइटम्स में रह भी जाता है तो सन की हीट की वजह से वो सब कुछ सूख जाए, ताकि इनके साथ जब हम प्रिजर्व करेंगे तो कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए ना। इसलिए कई बार आपको ध्यान रहता होगा कि जब प्याज को स्टोर किया जाता है तो उसमें से फिर इसको सुखाया जाता है ताकि अगर हल्का सा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो आपकी सारी प्याज खराब हो जाती है। ओके, तो ये सारे कुछ मेथड्स हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है वो सन ड्राइंग मेथड है। इसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स हैं लाइक कॉलीफ्लावर, स्पिनाक, मेथी आर ऑल्सो प्रिजर्व इन दिस मैनर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, स्पिनाक यानी पालक, मेथी, इनको भी प्रिजर्व किया जाता है सेम इसी प्रोसेस से। ओके, अब बच्चों की क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, कि फूड को प्रिजर्व करने का क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला तो ये फूड के वेस्टेज को रोक देता है, इट डिक्रीजेस द वेस्टेज ऑफ फूड। ओके, ये फूड का जो जितना ही वेस्ट होता है, अगर ख़राब हो जाएगा फूड तो ऑब्वियसली बात है हमको उसे फेंकना पड़ेगा, जो कि बहुत ही गलत बात होती है बिकॉज देर आर सो मेनी ऑफ पीपल जिनको कि एक समय का खाना भी नहीं मिल पाता। अगर हम स्पॉइल कर रहे हैं या उनको फेंक रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। सो कहीं ना कहीं ये फूड वेस्टेज को रोकेगा और कहीं ना कहीं जो स्पॉइल है वो भी हमारी स्पॉइल जो है खाना जो है खराब होना वो भी कम होगा। फिर इसके साथ साथ इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड मटेरियल। इसके साथ साथ हम उस खाने को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, है ना। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक जो कि किसी पर्टिकुलर सीजन में ही आती है, लाइक आंवला की बात कर ले हम, आंवला पर्टिकुलर सीजन में आता है। अब उसका हम अगर हमें लंबे समय तक चलाना है तो हम उसमें सॉल्ट प्रिजर्विंग टेक्निक से हम उसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि अगर हमें इन फ्यूचर हमें उसको खाना हो जिस समय पे आंवला मिल नहीं सकता तो हम उस दौरान हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड इज रिटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो भी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ख़त्म नहीं होती है, लंबे समय तक रहती है। ओके, इट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट डिस्टेंट प्लेसेस एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ पे ना खाना पहुँचने में ज़्यादा समय लग जाता है, कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं की जाती, उनको दूसरी जगह से हमें ट्रांसपोर्ट या इम्पोर्ट करवाना पड़ता है।
है ना, ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। तो अगर हम फूड प्रिजर्वन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो खाना किसी दूसरी जगह तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं, लाइक सोयाबीन, इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा एमपी में होती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल एमपी के लोग इसे कंज्यूम करते हैं, दुनिया भर के इंसान इसको कंज्यूम करते हैं। डिफरेंट स्टेट्स को रिक्वायरमेंट होती है ताकि उससे वो तेल तेल या फिर और अदर प्रोडक्ट्स निकाले। अगर हम सोयाबीन को प्रॉपरली प्रिजर्व करके नहीं दूसरी जगह भेजेंगे तो क्या होगा, अगर प्रॉपर प्रिजर्व नहीं करेंगे और उसको अगर हम भेजने की कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा कि रास्ते में ख़राब हो जाएगी ड्यू टू मॉइस्चर, रास्ते में बहुत सारी परेशानी आ सकती है जिससे कि हमें सोयाबीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर सोयाबीन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो किसी काम की नहीं रहेगी, स्पॉइल हो जाएगी। तो इसीलिए इस बात की इंश्योरिटी देता है कि हम फूड प्रिजर्विंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमें खाना पहुँचाना है तो वो लंबे समय तक उसको बचा के रखें और वहाँ तक जब तक ये खाना पहुँचा तब तक ये स्पॉइल नहीं होगा। के साथ साथ जब ड्यूरिंग ऑफ सीज़न आता है, जैसे लाइक मैंने अभी आंवले का सीज़न दिया, तो उस दौरान हम उसका कंज्यूम कर सकते हैं। इसीलिए ना जब गर्मी में अचार वाला सीज़न आता है तो अचार डाल के रखा जाता है। रीज़न यही है कि थ्रू आउट द ईयर तो अवेलेबल होता नहीं है, एक पर्टिकुलर मंथ में आता है, एक या दो महीने के लिए, उसके बाद ये अगले सीज़न में आएंगे। तो जब तक अगला सीज़न आएगा तब तक हम इन पिकल्स को कंज्यूम करके हम उस फूड को कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।